हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मेडिसिन नॉलेज पे। यदि आप सारी जानकारी हिंदी में लेना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँच सके। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ लोमोजी टैबलेट, जिसकी हम संपूर्ण जानकारी देखेंगे कि लोमोडी टैबलेट क्या कार्य करती है, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल डाला गया है, इसके अंदर कितने एमजी में और मार्केट में क्या प्राइस है और इसका क्या डोज रहता है। सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर मॉलिक्यूल की। लोमोडी के अंदर मॉलिक्यूल की बात करें तो इसके अंदर एक ही मॉलिक्यूल डाला गया है जिसका नाम है लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड है। अब इसकी उपस्थिति देखते हैं कि इसके अंदर कितने एमजी में अवेलेबल है। उपस्थिति देखें तो है इसके अंदर लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड की उपस्थिति देखें तो 2 mg में इसके अंदर अवेलेबल है। अब इसका कार्य देखते हैं, यानी कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल डाला गया है लोप्रामाइड, इसका क्या कार्य है। कार्य की बात करें तो ये एक जुलाब के लिए उपयोग किया जाने वाला टैबलेट है और यदि आप जुलाब से परेशान हो तो इस टैबलेट को उपयोग कर सकते हैं और यह बड़े और बच्चों दोनों के लिए उपयोग किया जा सकता है। यदि बच्चा 1 साल से 3 साल का है तो आप इसको आधा टैबलेट दे दें और यदि इससे बड़ा है तो पूरा दे दें और बड़े लोगों के लिए ये पूरा डोज बनता है। और जब भी आप इस टैबलेट का उपयोग करते हैं तो अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही इस टैबलेट का उपयोग करें। अब बात करते हैं यदि आप इसका डोज भूल गए हो तो क्या करें। यदि आप इसका डोज भूल गए तो जहाँ तक संभव हो वहाँ तक ले लें और यदि अगले डोज का समय हो गया हो तो पिछले डोज को छोड़ दें, ना कि अगले डोज को डबल करें। और इस बात करते हैं इसका मार्केट में प्राइस क्या है। प्राइस की बात करें तो ये एक 10 गोली का पूरा स्ट्रिप रहता है जिसका मार्केट में प्राइस है 22 रुपये, जो कि हमें हर एक मेडिकल स्टोर पर ये आसानी से मिल सकती हैं और ये जुलाब के लिए उपयोग किया जाने वाला बहुत अच्छा टैबलेट है। अब बात करते हैं कि इस टैबलेट को लेने से क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। साइड इफेक्ट की बात करें तो इतना अभी तक कोई साइड इफेक्ट सामने नहीं आया और मुख्यतः देखें तो इसका जैसे कि जी घबराना, उल्टी होना, ये इसका नॉर्मल सा सामान्य साइड इफेक्ट है। और यदि इससे ज़्यादा आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलता है तो अपने डॉक्टर से मिले और डॉक्टर की सलाह के अनुसार इस टैबलेट का उपयोग करें और ये जुलाब के लिए उपयोग किया जाने वाला बहुत अच्छा है। और अभी इसकी मैंने एमजी भी बताया गया कि ये 2 mg में अवेलेबल है और ये बच्चों को भी उपयोग कर सकते हैं जुलाब के लिए। और ये एक डोज भी बताया गया है और सुबह शाम इस टैबलेट को लिया जाता है डोज देके। तो चलो दोस्तों, लोमोडी टैबलेट के बारे में इतने का भी है। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़